केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा हिमाचल में चुनाव प्रचार न किए जाने पर पूछे गए प्रश्न पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और हिमाचल के लिए ये गौरव की बात है कि सबसे बड़े प्रदेश के प्रभारी होने के नाते वे अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि पिछले चुनावों में अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन इस बार ये जिम्मा जगत प्रकाश नड्डा के कंधों पर सौंपा गया है, जो कि इस छोटे से राज्य के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा जब यूपी से फ्री हो जाएंगे तब निश्चित रूप से बिलासपुर आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे और हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर भी भाग लेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, बिलासपुर में एम्स की बात हो, ऊना में पीजीआई खोलने की बात हो, नड्डा का केंद्र की मोदी सरकार में अहम योगदान हिमाचल के प्रति रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान जहां स्वारघाट का उपमंडल के अंतर्गत अनुराग ठाकुर ने कई जनसभाओं को संबोधित किया, वहीं खरकड़ी पंचायत में पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। मंडी संसदीय क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार सेवानिवृत्त कर्नल ठाकुर सिंह ने कहा कि वे मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंडी संसदीय सीट से भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराकर संसद में पहुंचना उनका प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वे संसद में पहुंचकर नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के जडोली निवासी कर्नल ठाकुर सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अगर सांसदों और विधायकों को वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान है तो फिर मतदाताओं को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि वे संसद में प्राइवेट बिल के तहत वोटरशिप भत्ते के रूप में कम से कम 6,000 रुपए प्रति माह देने की मांग उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्राजील जैसे यूरोपीय देश में ये व्यवस्था है, वहीं पर अनेक यूरोपीय देश अपने नागरिकों को इस तरह के भत्ते देते हैं। भारत में जल, जंगल और जमीन पर सरकार का मालिकाना हक है, इसके दोहन से ये व्यवस्था की जा सकती है। उसी प्रकार हिमाचल की नदियों के पानी से पंजाब और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान की धरती लहरा उठी है, मगर हिमाचल के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था सही नहीं है, जबकि यहां पर इस पानी को लिफ्ट कर ऊंचाई पर टैंक बनाकर सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके करने से बागवानी और कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि 4-लेन विस्थापितों को फैक्टर 2 मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। इसी प्रकार GST 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पूर्व सैनिकों को 1 rank 1 pension पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। इसमें जो इंक्रीमेंट कम है उसको रिव्यू करने की हर साल का प्रावधान किया जाए। आयकर सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख होनी चाहिए। आवारा पशुओं के लिए कारगर नीति बनाई जानी चाहिए, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। इसके अलावा देश के दूसरे सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र से 2 सांसद भेजने की मांग भी उन्होंने उठाई। पशुराम की विश्राम स्थली शिमला जिला के रामपुर के समीप सिंगल में स्थानीय देवताओं की उपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान व मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस धार्मिक आयोजन में 4 ठहरी के प्रमुख देवताओं ने हिस्सा लिया। विधि विधान से देवताओं के गुरुओं की सहायता से मंदिर में कलश स्थापना दृश्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस शुभ अवसर पर आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। मंदिर में पूर्ण आहुति एवं कलश स्थापना के अवसर पर देव नृत्य का दृश्य पुरानी परंपरा को ताजा कर गया। इस दौरान प्रमुख भूमिका 4 ठहरी आए देवताओं की रही। इनमें प्रमुख रूप से लालसा के दोगनू, ढांडसा के धर्मुख, स्नेहरी के
झालरू नाग और शिंगाल के यज्ञेश्वर महाराज, रचोली के देवजाका, कुमसू के नारायण व किम के छोटू देवता रहे। सर्वप्रथम विधि विधान से हवन यज्ञ का आयोजन किया गया ताकि समूचे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहे। असुर शक्तियों का नाश हो, हवन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद देवताओं की पालकियों को मंदिर प्रांगण में लाया गया। देवताओं के गुरुओं का क्रमवार एक एक कर दैव्य शक्तियां आते ही नवनिर्मित मंदिर की छत पर कलश स्थापना के लिए चढ़ाया गया। मंदिर कारदारों ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन का क्षेत्र की शांति एवं सुख समृद्धि के लिए विशेष महत्व है। कृष्ण कुमार शास्त्री ने बताया कि स्थानीय लोगों के प्रयास से योगेश्वर महाराज के मंदिर परिसर में यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान चार ठहरी के देवी देवता मंदिर प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे। इस तरह के आयोजन शांति, समृद्धि व संपूर्णता के लिए किए जाते हैं। आचार्य दिनेश ने बताया कि आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने मिलकर इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया है। इस दौरान आसपास के आधा दर्जन से अधिक देवी देवताओं ने प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। ऐसे आयोजनों से क्षेत्र और विश्व में शांति बनी रहती है। श्रवण कुमार ने बताया कि यज्ञ के दौरान आसपास के इलाकों से आए देवी देवताओं ने लोगों को आशीर्वाद भी दिए। यहाँ आए देवता परोपकारी हैं, कोई वर्षा देने वाला है, कोई पशुधन देने वाला है, तो कोई सबका रक्षक है। चार बजे जो है सभी देवता का जो है यहाँ जो है विसर्जन किया जाएगा। वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर जो है विराजमान होंगे। इस तरह से हमारा आज का ये जो है ये देव प्रतिष्ठा हुई है, इसका समाप्तिकरण आज हुआ है। धन्यवाद।